भाई जी, अपने पास आज कार आई है अपनी XUV 500। और कस्टमर की इसमें कंप्लेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। ये कस्टमर की चाबी है इसमें, लेकिन इससे कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मीटर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अपने उस्ताद जी लगे हुए हैं। हाँ जी उस्ताद जी, आया कुछ? कैसे हो सारे भाई? बढ़िया जी। अरे वीर जी, आज एक नई बकवास करने के लिए रेडी हैं हम। कल 8 मिनट की बकवास करी थी, आज 16 मिनट करेंगे, ठीक है भाई जी। हालत दिखाता हूँ आपको, आप देखो एक मिनट, दिखाना पाजी एक बार। ये पूरी गाड़ी खोल के डाल रखी है, पूरी कार खुली हुई है, ठीक है जी। D9 HD अपना वर्किंग में हम लोग लेके चल रहे हैं इसको, D9 HD को, ठीक है जी। ये पूरा सर सिस्टम इसका खुला पड़ा है, इधर से भी दिखा देता हूँ ये पूरा भाई जी। इसको इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। स्मार्ट की वाली है ये कार है अपनी, ये स्मार्ट की में, ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगा। ये देखो लॉक अनलॉक पूरी वर्किंग में है, देखो लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक, ठीक है। गाड़ी पूरी वर्किंग में है, साउंड भी कर रही है, सारा कुछ है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ जा रही है वो मैं बताऊंगा। हाँ जी पाजी, दिखाना जरा क्या है प्रॉब्लम। ये भाई जी इसका जो मेन है ना अपना मीटर ऑन नहीं हो रहा है इसका, इसके स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग यहीं पे लॉक है, लॉक रहेगा तो मीटर ऑन, मीटर ऑन नहीं हो रहा। देखो पुश स्टार्ट को हम पुश भी कर रहे हैं ना इसको, चाबी से पुश कर लो, हाथ से पकड़ लो इसको। ये देखो वीर जी प्रॉब्लम दिखा रहा है मैं, ये प्रॉब्लम है भाई। टर्न स्टीयरिंग व्हील प्रेसिंग इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जो इसका स्टीयरिंग है वो लॉक है पूरा, ठीक है। स्टीयरिंग पूरा लॉक है भाई जी, मीटर ऑन नहीं होगा इसका स्टीयरिंग। अच्छी वाली गाड़ी चलती हुई हमने खड़ी करी थी। और इसमें एक चीज और दिखा देते हैं आपको, ये कारस्तानी किसकी है? ये गणेश जी की कारस्तानी है। गणेश जी ने क्या हालत करके रखी हुई है, ये देखो गणपति बाबा की मेहर से ये पता नहीं है। इसमें ढूंढते हैं फॉल्ट, ये वीडियो वीर जी कट करके 2-3 भाग में जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते, फॉल्ट पकड़ना पड़ेगा। आगे भी सब कुछ खुला पड़ा है सिस्टम, ठीक है भाई जी। XUV 500, थोड़ी देर में चाय भी मंगा लेते हैं, ये बिस्कुट रेडी है अभी, ठीक है भाई जी। चाय के साथ में फिर सब भाई लोगों को बुलाते हैं, जब तक इसमें फाइल ढूंढते हैं, फाइल ढूंढ के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है वीर जी। वेलकम टू ड्यूटी खालसा कीज, वेलकम भाई जी। और भाई जी इसमें जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे पहले तो इसके फ्यूज बॉक्स वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है। बहुत हमने इसको ये लगा लो के काफ़ी टाइम से लगे हैं इसमें। अब मेन जो गणपति बाबा की जो रजा मिली है वो देखो कहाँ है, गणपति जी ने कहाँ पर अपनी मोहर लगा के छोड़ गए हैं, ये देखो वीर जी। ये कंडीशन क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा गुस्से में करा हुआ काम है ये, ठीक है वीर जी। ये देखो ये क्या कंडीशन बना के छोड़ दी गाड़ी की, ढूंढते 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 ढूंढते। ये ढक्कन जो है, एक अपने मित्र हैं खास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी हेल्प से उन्होंने बोला कि इसकी ये वाली वायर भी चेक करो, नहीं तो यहाँ तक तो माइंड जा ही नहीं रहा था हमारा, ठीक है जी। बाकी सब खोल, बाकी सारा ये खोल के डाल रखा है, एक एक वायर जो है पूरी हमने इसमें चेक करी इधर उधर चारों तरफ। D9 HD को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वीर जी, ठीक है। बॉक्स भी रख रखा है पूरा, बिल्कुल लेटेस्ट पीस है ना। और साथ में PS70 Pro भी है, ओल्ड वर्जन वाला अपना, जो PS70 Pro, ठीक है। अभी जो है वीर जी इसके पूरी वायरिंग वगैरह जो है पूरा इसको ओके करके फिर कंडीशन आपको बताते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती, ठीक है। अभी मैंने दिखाया भी था आपको कि इसमें क्या लिखा रहा है, एक बार और दिखा देता हूँ। लो पाजी मोबाइल पकड़ो, दिखाओ इसमें क्या रहा है। अभी सर वही लिखा रहा है, टर्न स्टीयरिंग व्हील प्रेसिंग इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मैन अपना मीटर ऑन नहीं हो रहा है, उसको मीटर ही कितनी बार भी कुछ स्टार्ट करो कुछ भी करो कुछ नहीं होता। ठीक है भाई जी, अब इसकी जो वायरिंग है पहले इसको रिपेयर करते हैं फिर आपको बताते हैं चेक करके, ठीक है जी। टूल में कुछ ना कुछ ना। ये भाई जी जुगाड़बाजी अभी हम लोगों ने प्रॉपर कर दी है, इसमें क्या था अभी ये थोड़ी बिलीच में खड़ी है गाड़ी, यहाँ पे जल्दी से कोई गैरेज या ब्रेक वाली वायर मिली नहीं, तो इसलिए ये मोटी वायर जो है ना इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है घरों में बिजली वाली, उसी से हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इसमें ये कंडीशन बन जाएगी कि तुम वायर वगैरह लेके प्रॉपर सेट चलते, एक आध टुकड़ा था जो अपने पास से एडजस्ट कर दिया, बाकी फिर यही है मोटी वायर लगानी पड़ी, ठीक है वीर जी। इसको पूरा जोड़ के अभी ये पता नहीं कि गणपति जी की और रजा कहाँ कहाँ पे है, कहीं और भी उन्होंने जो अब हमला ना बोल रखा हो, ठीक है वीर जी। इसको रेडी करके फिर टेस्ट करते हैं अपना D9 HD से, स्कैनिंग करके आपको बताते हैं भाई जी, ठीक है जी। भाई जी ये आपको दिखाया था ना सारा कुछ, तो सर ये पूरा रिपेयर कर दिया है। वीडियो को बार बार ना कट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये समस्या सबसे बड़ी ये है
कि ये बहुत लंबा फॉल्ट होता है, इसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो गया। ठीक है, अभी ये वीडियो हमने पूरी इसमें इस कंडीशन में जो है ना रिपेयर कर दी है, सॉरी ये वायर पूरी इस कंडीशन में रिपेयर कर दी है। रिपेयर करने के बाद में इधर भी हमने फिर इसको और ढूंढा, कहीं कोई और फॉल्ट तो नहीं है, बाकी सब गुड है। अभी अपना जो D9 HD जो हमने लगा रखा है, मैं घूम के जाता हूँ इधर से। हाँ जी भाजी, आ चुके हैं मैन पकड़ पे। शट, ये वीर जी अपना पहले डिवाइस दिखाओ हमारा कौन सा है। ठीक है जी, ये डिवाइस है हमारा D9 HD। इसको पीछे से दिखाना एक बार, ये इसका ब्लूटूथ लगा हुआ है वीर जी, ये सॉकेट लगा है। ठीक है जी, ये अपना डिवाइस है D9 HD। ठीक है जी, इसमें जो भाई जी हमने वायरिंग लगा दी, वायरिंग लाइट आ रही है, ये लाइट नहीं दिखनी चाहिए, ये देखो लाइट दिख रही है। हाँ सही है, हमने अपनी वायरिंग क्लियर करने के बाद ना फिर इसमें जो कोड बनते हैं वो कोड रीड करते हैं, रीड ट्रबल कोड। इसमें भाई जी चार कोड बन रहे हैं अपने, ठीक है, कम्युनिकेशन भी ESL वाला कोड है अपना, एक पावर सप्लाई वोल्टेज का है, और बैटरी FOH इसमें स्मार्ट की वाली जो बैटरी है वो उसमें उसके अंदर मतलब लो है अभी। ठीक है, तो ये कोड बन रहे हैं अपने, इनको हम क्लियर करते हैं। क्लियर सक्सेसफुल, नो ट्रबल कोड। अब कोड जो सारे जीरो हो गए हैं, अब अपनी कार जो स्टार्ट करके देखते हैं अपने। आपके सामने ही सारा कुछ चेक किया है, कोई कोड नहीं है, अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, टूल हटा लेते हैं अपना। ठीक है जी, ये स्मार्ट की, ये स्मार्ट की है। हाँ जी, स्मार्ट की दिखाओ। ठीक है जी, वहाँ से क्लिच दबा के, हाँ जी क्लिच को पूरा पुश करके रखना है। हाँ जी, ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई जी। ठीक है जी, इसका मीटर दिखा दो, स्टीयरिंग घुमा के। भाई जी आप लोग जो है दिल से लाइक करते हो, इसलिए हौसला बनता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे करो वीर जी। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल वर्किंग में स्टार्ट हो चुकी है, अब इसकी पैकिंग वैकिंग पूरी क्लियर करके, ठीक है वीर जी, हम लोग निकलते हैं। बिल्कुल गुड कंडीशन में है सारा कुछ, एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करो भाई जी। प्लीज पूरा पुश कर रखो। ठीक है जी, ये देखो भाई जी D9 HD X-Tool इंडिया। ठीक है सर, D9 HD पूरा फुल किट में है ये। ठीक है वीर जी, और इसको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, ये इसकी किट रखी हुई है यहाँ पे, इस तरह से इसकी पूरी किट बॉक्स आती है, ये ऑल इन वन डिवाइस है वीर जी। ये लेके अपना जो है ना पूरा कार और ट्रक सब, PS70 Pro भी हमने साथ में ला के रखा हुआ था। ठीक है वीर जी, वेलकम टू तूती खालसा कीज, वेलकम भाइयों को।